मनप्रीत जी कचौड़ी लेके खा रही है इंडियन शॉप से। यहाँ पे भी एक्चुअली में ना फ्लू फैला हुआ है कैलगरी में भी। बिल बड़ा कम आता है, टैक्स कम होता है। दो दिन का स्टे कैनमोर में बहुत बढ़िया रहा, बैंफ भी घूमा हमने, बट अभी बैंफ वापस आना है। बट अब जा रहे हैं हम कैलगरी। सो कैलगरी के ब्रैम्पटन जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ बिल्डर्स के मॉडल हाउस भी देखने हैं, तो वो भी आपको दिखा देंगे। एंड शॉपिंग भी करनी है थोड़ी, बिकॉज ब्लैक फ्राइडे चल रहा है, टैक्सेस कम होते हैं, थोड़ा तो फायदा उठाएं। सो लेट्स गो टू कैलगरी। एक क्विक स्टॉप लिया है बिकॉज कैनमोर में बेगल एंड कंपनी करके एक बहुत फेमस जॉइंट है, तो वहाँ का अगर ट्राई नहीं किया तो फिर कैनमोर आई क्यों। स्टॉप लिया है, एक इंडियन प्लाजा है, इसमें सारे शॉप्स हैं, खाने पीने की भी है। मनप्रीत जी कचौड़ी लेके खा रही है इंडियन शॉप से। पॉपुलर पिज्जा भी है जो इंडियन स्टाइल पिज्जा होता है। इमिग्रेशन की कंपनीज हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं बहुत सारे। आई थिंक ये सबसे बड़ा प्लाजा है जहाँ पे इंडियन स्टोर्स हैं सारे। आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में सारे इंडियंस नॉर्मली रहते हैं, तो उसी का प्लाजा ही है। सही है, बट सैटरडे के हिसाब से थोड़ा सा ना ठंडा लग रहा है। ठंड अब भी कैलगरी में पॉपुलेशन ही कम है तो ऐसे ही होगा ना। एक्चुअली मतलब क्राउडेड नहीं लग रहा है, जो मतलब टोरंटो में या जीटी में प्लाजास में होता है ना, बहुत ज्यादा लगता है कि भाई भीड़ है वीकेंड के हिसाब से। वो थोड़ा मे बी आगे और मिले, और जगह है बहुत अच्छी अच्छी, वहाँ जाते हैं एक बार। सो इंडियन हमने प्लाजा देख लिया। अब यहाँ पे एक मॉल भी है नॉर्थ ईस्ट में ही है, उसको भी बोलते हैं कि वो आउटलेट मॉल है, बहुत बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल इन कैलगरी। सो वहाँ जाते हैं, मुझे एक सामान भी लेना है, थोड़ा सा मनप्रीत को शॉपिंग भी करा देंगे ब्लैक फ्राइडे की, बिकॉज थक चुकी है, कह रही है अब होटल जाके चेक इन करो जो डाउन टाउन कैलगरी में हमने लिया हुआ है। एंड मे बी जैसे टैक्सेस कम है यहाँ पे, तो कुछ हमें ऐसा है कोई स्टील डील मिल जाए। हाँ। मतलब ऐसा कुछ माइंड में नहीं है, थोड़ा सा देख लेंगे, एक्सप्लोर, थोड़ा सा टाइट करके हाथ चलेंगे, ऐसे खुला नहीं कि कुछ भी उठा लिया, अगर जरूरत होगी तभी लेंगे। एंड गैजेट्स वगैरह सस्ते मिल सकते हैं, ब्लैक फ्राइडे डील्स, लेट्स सी कुछ मिल जाए। और लंच भी करना है, और मनप्रीत जी बताएंगे कहाँ पे लंच करना है। बहुत बड़ा मॉल है, इट्स लाइक वॉन मिल्स। मेरे को भी सामान मिल गया, बेल्ट लेनी थी मेरे को एक्चुअली में। सबसे खुशी जो होती है ना टैक्स देख के होती है, इंस्टेड ऑफ 13% सिर्फ 5% टैक्स लगता है। और अब मनप्रीत जी को कुछ मेडिसिन चाहिए, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम जो ऑन्टारियो में नहीं मिल रही, ऑन्टारियो में नहीं मिल रही, मे बी यहाँ पे मिल जाए, लेट्स सी। मॉल से हम निकल के आ गए थे बिकॉज वहाँ पे कुछ फूड कोर्ट में इतना मनप्रीत को पसंद नहीं आया, होटल भी चेक इन करना था और वेजिटेरियन वहाँ पे था नहीं, बट मॉल बिल्कुल वॉन मिल्स जैसा था, है ना। बिल्कुल वहाँ पे सारे आउटलेट्स थे, काफी ज्यादा ब्लैक फ्राइडे करके डील्स लगी हुई थी। हाँ, बहुत क्राउडेड था, निकले हमें और थकावट इतनी हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। हाँ, शॉपिंग करने की, तो हमने सोचा कि पहले चेक इन कर लेते हैं फिर देख लेंगे, बट हमें रस्ते में ही मिल गया बिकॉज चेक इन करने में टाइम लग जाएगा। तो ट्राई करते हैं मनप्रीत को यहाँ पे मिल जाएगा। मैक्सिकन है, मैक्सिकन स्ट्रीट फूड टाइप्स का, आई होप की मेरा हर जगह मिल ही जाता है चिकन वगैरह, मनप्रीत का आई होप मिल जाए। थोड़ा ऑथेंटिक लग रहा है, मतलब जैसे नॉर्मल मचो बरीटो टाइप के वो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आई एम होपिंग कि अच्छा, और वेटिंग भी है थोड़ी सी। और डाउनटाउन कैलगरी में है इस टाइम पे हम, ट्रैफिक मैं बोलूंगा टोरंटो से ऑब्वियसली कम है, बट थोड़ी बहुत वही टोरंटो वाली फील आ रही है, टोरंटो डाउनटाउन में फील आती ना बिल्कुल वही वाली फील आ रही है। थोड़ा सा ट्रैफिक वहां से कम है, बंदे कम है यहाँ पे, लेकिन वेटिंग है रेस्टोरेंट में। यहाँ पे भी एक्चुअली में ना फ्लू फैला हुआ है कैलगरी में भी, उसकी वजह से यहाँ पे भी कोई मेडिसिन नहीं मिल रही है। बेनाड्रिल तुम्हें नहीं मिली, कनाडा में वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ स्टॉक है। कौन सी मेडिसिन थी वो? टायलेनॉल। वो कह रही आज ही आई है और आज ही सारी सोल्ड आउट होगी, अब नेक्स्ट वीक आएगी। तो बहुत ज्यादा ना मेडिसिन की भी शॉर्टेज हो रही है, बहुत बुरी हालत है मनप्रीत की। खाते हैं फिर चेक इन करते हैं। रूम हमारा है माउंटेन व्यू रूम, यहाँ भी वही चीज ना हो जाए, लेट्स सी, एक्स्ट्रा पैसे दिए माउंटेन व्यू के, लेट्स सी कैसा होता है। आधे घंटे की वेटिंग है, डिसाइड ये किया कि हम पहले होटल चेक इन कर रहे हैं और फिर दोबारा वापस यहाँ पे आएंगे। आई होप कि रूम भी मिल जाए अच्छे व्यू वाला और यहाँ पे भी हमारा टेबल रहे। इसमें
इसमें ना आई थिंक होटल में 35 फ्लोर्स हैं, तो मैंने अपग्रेड करा लिया बिकॉज 19th फ्लोर दे रहे थे मुझे, टॉप फ्लोर चाहिए था, 30th फ्लोर मिल गया लकीली अपग्रेड के, अब चार्जेस नहीं लगे कोई, तो आई होप अच्छा व्यू हो बिकॉज बहुत थके हुए, अब शायद हम बाहर नहीं भी जाएंगे, डिनर पता नहीं कैसे करेंगे, कल मॉर्निंग अच्छा व्यू आएगा, अभी तो ये अपनी नमकीन वगैरह जो हम नॉर्थ ईस्ट से लेके आए थे वही डोर है, रीजन पता चलेगा इतने लगेज क्यों हमारे पास। मनप्रीत जी से पूछूंगा मैं, रूम कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा। थकी हुई है इसलिए एंथुसियाज्म ज्यादा नहीं है, हाँ। अभी नीचे इसी होटल में जा रहे हैं बिकॉज बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, इसी में अच्छा एक रेस्टोरेंट, दो रेस्टोरेंट, एक थोड़ा बेटर लग रहा है उसका मेन्यू, तो वहाँ पे डिनर करके फिर आपको क्विक टूर देते हैं इस रूम का, बिकॉज आई थिंक ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, इन्होंने होटल बनाया हुआ, तो इट्स लाइक अ कॉन्डो बट 30th फ्लोर पे है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात ये लगती है मुझे कि बिल बड़ा कम आता है, टैक्स कम होता है, और जो टिप की परसेंटेज है ना 10% से स्टार्ट होती है, तो अगर आप 18-20% भी दे रहे हो तो बंदा खुश हो जाता है कि मैक्सिमम टिप दिया, और सर्विस भी बहुत अच्छी मिल रही है हमें। क्विकली रूम टू दे देते हैं आपको, अप्लायंसेस हैं इसमें फॉर अ चेंज, फुल फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एक्चुअली में सारे कप्स वगैरह प्लेट्स वगैरह भी हैं, एंड माइक्रोवेव है, गैस है, वही होटल में गैस होता है नहीं है ना, तो इट्स लाइक अ कॉन्डो स्टाइल, हम शायद मैगी भी बना लेंगे अगर भूख लगेगी, नींद नहीं आई तो, सारे मतलब सॉल्ट एंड पेपर भी है, मसाले वगैरह सब कुछ है, डिश वॉशर है, धोने की जरूरत नहीं है, टोस्टर है, कॉफी है, छोटा सा डाइनिंग एरिया है, तो कल ना हम कैलगरी के यूट्यूबर्स जितने भी हैं यहाँ पे, जो भी आप आएंगे तो कल उनके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी आप देख लेना बिकॉज आपको आइडिया मिल जाएगा जो यहाँ पे मूव हो रहे हैं, क्या स्ट्रगल्स हैं, एवरीथिंग अबाउट कैलगरी, सो वो यहाँ पे बैठ के करेंगे, मैं सोच रहा था कि कॉन्फ्रेंस रूम बुक करूंगा बट यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा वो, सो ये एरिया डाइनिंग सिटिंग एरिया यहाँ पे बहुत अच्छा है, व्यू 30th फ्लोर है तो उतना सही अभी दिख नहीं रहा, दिन में अच्छा आएगा तो कल वाले वीडियो में देख लेना, और बेड है, बेड पे बैठ के आराम से टीवी देखो, एंड अगर यहाँ से खुल जाए तो अच्छा खासा है, स्टैंडिंग शॉवर, साइज इज गुड, दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, एंड यहाँ पे स्टोरेज वगैरह इनफ स्टोरेज है, हमारी ये बूंदी बूंदी पड़ी है जो मनप्रीत नॉर्थ ईस्ट से लेके आई है, छोटा सा क्यूट सा बट किचन बहुत अमेजिंग लगा मेरे को, काम आ गया, अब बहुत ज्यादा थके हुए, एंड आज हम जब मॉल जा रहे थे तो रस्ते में हमें कुछ बिल्डर्स के ऑफिस मिले थे जहाँ के मॉडल हम रेडी थे, ऑब्वियसली आपको पता है कि रियल स्टेट इज अवर पैशन, वी चेक्ड सम मॉडल हाउसेज एज वेल, वो सेपरेट वीडियो डाल दिया होगा, ये डल जाएगा, वो चेकआउट कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कैलगरी में कितने प्राइस रेंज में किस टाइप का घर आ रहा है, इज इट कैश फ्लो और नॉट, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अपग्रेड्स वगैरह, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, वो पूरा टूर देखना ना, दो घर दिखाया हमने उसमें, बड़ा भी थके हुए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बताइए आपको, सी यू टुमारो।